नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ रोजी अली। काला जादू सदियों से लोगों के बीच एक रोचक और रहस्य से भरा विषय रहा है। यही कारण है कि लोग अक्सर ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं जो काला जादू करते हैं या फिर जहां काला जादू किया जाता है। काले जादू से जुड़ी कई सारी ऐसी जानकारियां इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएंगी। आज हम आपको भारत में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी इन स्थानों को जानने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोलकाता का निमतला घाट। ज्यादातर लोग बंगाल को काले जादू का गढ़ मानते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोलकाता में मौजूद निमतला घाट है। इस घाट पर काले जादू से जुड़े कई काम होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय इस घाट पर लोग काला जादू सीखने आते हैं। आपको अघोरी बाबा यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। असम का मयूंग गांव। काले जादू के गढ़ के तौर पर असम को भी जाना जाता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर मौजूद मयूंग गांव। बताया जाता है इस गांव को लेकर लोगों के बीच धारणा है इस गांव में तंत्र मंत्र सीखा और किया जाता है। मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट देश और दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट कहा जाता है। इस घाट पर कभी भी चिता की आग ठंडी नहीं होती। इस स्थान को लेकर कहा जाता है कि इस घाट पर बड़ी संख्या में तंत्र मंत्र करने वाले साधक पहुंचते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में स्थित है। इस स्थान पर एक बेहद प्रमुख धार्मिक मंदिर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ भी दूर दूर से तांत्रिक साधना करने आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ पर अघोरियों का मेला लग जाता है। इस दौरान अघोरी अपनी अपनी साधना में लीन नजर आते हैं और कहा जाता है कि इस दौरान यहाँ पर काफी खतरनाक काला जादू किया जाता है और सीखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर काले जादू के लिए साधना भी की जाती है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।